उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को आज 14वां दिन हो गया है और इस वक्त क्या स्थिति है वो मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। देखिए, दो रास्ते अब कहे जा रहे हैं क्योंकि जो सीधा सिलक्यारा टनल की तरफ से जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उस रेस्क्यू ऑपरेशन पर फिलहाल होल्ड है क्योंकि फिलहाल काम नहीं चल रहा है। कल लोहा आ जाने की वजह से ऑगर की जो ब्लेड थी वो खराब हो गई है। ऐसे में आप पूरी ऑगर ब्लेड्स को बाहर निकाला जा रहा है। 45 मीटर तकरीबन ये ऑगर ब्लेड्स थे जिसमें से बताया जा रहा है कि 21.6 के लगभग बाहर निकाली जा चुकी है लेकिन 25 मीटर अभी भी ऑगर ब्लेड्स को निकालना बाकी। ऑगर ब्लेड्स क्या होती है मैं दिखाती हूँ आपको। ये ऑरेंज कलर की जो ब्लेड्स आपको नजर आ रही हैं, जो ये स्पाइरल घूम घूम के चीजें जो आपको दिख रही हैं, इनको ऑगर ब्लेड कहा जाता है। तो ये इनको अभी पूरी तरीके से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि इसमें एक दिन का समय लग सकता है क्योंकि गैस कटर की मदद से काट काट कर इन्हें बाहर निकाला जा रहा है। प्लाज्मा कटर भी मंगवाया गया है जिससे कि काम थोड़ा तेजी से हो, लेकिन प्लाज्मा कटर जो है वो हैदराबाद से मंगाया गया है, देहरादून आ रहा है और उसके बाद यहां पर पहुंचेगा, तो आज देर रात तक उसके पहुंचने की संभावना है। अब दूसरे विकल्प की बात करते हैं, यानी कि दूसरा विकल्प क्या है। एक विकल्प तो हमने आपको दिखाया कि अब मैनुअल ड्रिलिंग की बात की जा रही है। ये जब स्पाइरल ब्लेड्स जो है ये बाहर निकल जाएंगी उसके बाद मैनुअल तरीके से यानी कि हथौड़ी छीने से इस पे छेद करके अंदर जाने की कोशिश की जाएगी, पाइप्स को पुश किया जाएगा, एक विकल्प यह है। दूसरा विकल्प है वो जो ऊपर आप मशीन देख रहे हैं वो उस विकल्प की तैयारी बता रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग जो दूसरा विकल्प है उसके लिए मशीनें आज ज्यादा ही नजर आ रही हैं। ऊपर पहाड़ में आप देख रहे हैं ये लाल रंग की मशीन जिसको पहुंचाने में भी फिलहाल बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। बीआरओ द्वारा ये रोड्स बनाई गई हैं जिस पर फिलहाल ये मशीन चलाने की चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस पर अभी मुश्किल से देखिए सुबह से इस मशीन को चढ़ाने का काम किया जा रहा है लेकिन अब ही रोका गया था और अब फिर से दोबारा ये काम शुरू हो रहा है। तो ये एक बड़ा हिस्सा ऊपर दिख रहा है आपको और दूसरा हिस्सा जो है इसका वो आपको नीचे दिखेगा, यानी कि वो ड्रिलिंग पार्ट जो अंदर जाता है जो ड्रिल करता है वो एक बड़े से ट्रक में लंबे से ट्रक में आपको नजर आ रहा है पीछे की तरफ रखा हुआ है और इसको ऊपर चढ़ाना आप चुनौती होगी क्योंकि ये जो पीछे आप देख रहे हैं जो एक मशीन सामने आ रही है ये मशीन जो दिख रही है इसकी मदद से उसे हल्का पुश कर ऊपर भेजने की कोशिश की जा रही थी पर वो मुश्किल है। अब देखिए आप वो कितना लंबा ड्रिलर है उसके लिए किसी भी तरीके से रोड पर मुड़ना वो बहुत बड़ी चुनौती होगा और ऐसे में फिलहाल उसको बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर खतरा ये बना हुआ है कि जो मशीनें ऊपर जा रही हैं वो बेहद भारी हैं, ऐसे में उनको बेहद हल्के हल्के तरीके से चलाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। वर्टिकल ड्रिलिंग का एक पॉइंट लोकेट किया गया है और वहां से तकरीबन 88 मीटर नीचे की तरफ ड्रिल करना है और फिर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वर्टिकल ड्रिलिंग पॉइंट से वो शुरू किया जा सकता है ऐसा माना जा रहा है। तो दो विकल्प फिलहाल नजर आ रहे हैं, एक ये कि जो नीचे का जिसको हम बता रहे हैं जो सिलक्यारा टनल के मुहाने की तरफ से शुरू है उस में जहां पर अभी दूरी केवल 9 मीटर से 12 मीटर तक की रह गई है और ऐसे में उसको अब मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए किया जाएगा, यानी कि लोग अब घुसेंगे पाइपों के अंदर और वहां से वो उस पे 800 मीटर के पाइप के लिए जगह बनाएंगे और फिर पाइप को धीरे धीरे पुश किया जाएगा जिसमें जाहिर तौर पर वक्त जो है वो थोड़ा ज्यादा लगेगा। अब आप देख रहे हैं कि बाहर जो है वो फिर से जो मशीनों की मूवमेंट है वो देखने को मिल रही है। ये क्रेन जैसी जो मशीन है वो किस तरीके से इसे लिफ्ट करने की कोशिश कर रही है ये भी आपको तस्वीरों में दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा रास्ता जो फिलहाल ऊपर की तरफ पहाड़ की तरफ जा रहा है इसे बीआरओ ने तैयार किया है। 2 दिन के अंदर इस सड़क को तैयार किया गया है और ऐसे में मशीन चढ़ाने का काम जो है हमने देखा ऊपर एक मशीन को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि लगातार जो चैलेंजेस है वो उनके लिए भी यही बने हुए हैं कि ये हिमालयन ट्रेन है, ये हिमालयन पहाड़ियों की पहाड़ियां हैं जो कि कच्ची हैं, ऐसे में कितनी वेट बेयरिंग होंगी, ये मशीनें कितनी भारी होंगी, वो उसका वजन सह पाएंगे कि नहीं, उसका कोई और फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये तमाम चीजें भी ध्यान में रखी जा रही हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस दिन ऑगर मशीन चल रही थी यानी कि कल सुबह और परसों जब ऑगर मशीन थोड़ी चल रही थी तब जो पहाड़ी से 3 एस्केप पॉइंट बनाए गए हैं यानी कि राइट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का, लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का और वर्टिकल ड्रिलिंग का, जिसके लिए वो मशीन वहां ऊपर पहुंची हुई है लोग भी दिख रहे हैं, तब उन तीनों ही कामों को रोक दिया गया था। लेकिन क्योंकि अब अंदर कोई मशीन नहीं चल रही है, अब केवल गैस कटिंग से पाइप काटने का काम चल रहा है, तो ऐसे में अब केवल जो दो ऑप्शन है वो जो हमें दिख पा रहे हैं वो एक ऑप्शन यहां से सीधे से अंदर से मैनुअल ड्रिलिंग का है
और दूसरे ऑप्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए तैयारियां जो है मशीनों को पहुंचाने की पूरी की जा रही है। ऐसे में ये तो साफ है कि आज का दिन भी परिवारजनों पर भारी पड़ेगा, क्योंकि आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं होगा, ये तमाम मजदूर बाहर नहीं आएंगे, ये तय है। कितने दिन में बाहर आएंगे इस पर कहना भी अभी संशय बना हुआ है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि ये जो मुख्य द्वार है, जो मुहाना है, यहाँ से जो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है यही सबसे पहले पहुंचाएगा। और ऐसे में अगर पूरी ऑगर को आज रात तक निकाल लिया जाता है या कल सुबह तक निकाल लिया जाता है, ऐसे में उसके बाद मैनुअल तरीके से अगर अंदर घुसने की कोशिश की जाएगी और सारी कंडीशंस अगर फेवरेबल रही, यानी कि पक्ष में रही, यानी कि कुछ गलत नहीं हुआ, तो उसके बाद भी 1 से 2 दिन का समय लग सकता है, इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है। लेकिन फिलहाल तमाम एजेंसियां जो यहां पर है उनका कहना है कि हमारी कोशिश ये है कि सुरक्षित इन तमाम लोगों को बाहर निकाला जाए, जिसके लिए फिलहाल सिर्फ 2 विकल्प बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। हालांकि कहा यही जा रहा है कि 5 विकल्पों में एक साथ काम किया जा रहा है।